सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजातरीन खबरें। शिक्षा ही नहीं तो छात्रों के संपूर्ण विकास पर जोर देकर उनके भविष्य को निखारने के मकसद से घनसोली स्थित न्यू बॉम्बे सिटी स्कूल, न्यू बॉम्बे सिटी जूनियर कॉलेज, एएसपी कॉन्वेंट इंग्लिश हाई स्कूल, एएसपी पब्लिक स्कूल घनसोली और एएसपी इंटरनेशनल प्री स्कूल हमेशा की तरह इस साल भी हर्षोल्लास के साथ अपना वार्षिक महोत्सव मनाया, जहाँ आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल के प्रतिभावान छात्रों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, जहां खास तौर पर छात्रों के इस हुनर को देखने चेयरपर्सन हरप्रीत कौर, ट्रस्टी शंकर पिंगले, पूर्व सांसद संजीव नाइक, महापौर जयवंत सुतार, सभागृह नेता रविंद्र इथापे, नगर सेवक प्रकाश मोरे, नगर सेविका दीपाली सकपाल, समाज सेवक सुरेश सकपाल, शिक्षक, अभिभावक आदि गणमान्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे, जहां उपस्थित मान्यवरों के हाथों इस खास मौके पर 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में अच्छे गुणों से सफल होकर स्कूल का नाम रोशन करने वाले गुणवंत छात्रों का विशेष सत्कार किया गया। साथ ही स्कूल के शिक्षकों को भी आदर्श शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वही इंडोर और आउटडोर से चुनौती भरे खेल में और अन्य खेलों में अपने स्कूल का नाम ऊंचाई तक ले जाने वाले छात्रों को भी यहां विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस रंगारंग कार्यक्रम के दौरान सभी को संबोधित करते हुए चेयरपर्सन हरप्रीत कौर ने अपना वार्षिक अहवाल प्रस्तुत कर किस तरह से स्कूल ने सफलता के साथ बड़ी कामयाबी हासिल की है, इसका ब्यौरा भी सभी के समक्ष रखा और साथ ही हर क्षेत्र में बड़ी कठिनाइयों के साथ इस मुकाम पर पहुंची इस स्कूल को इस साल संपूर्ण नवी मुंबई में सर्वोत्कृष्ट स्कूल का दर्जा प्राप्त होने की बात भी उन्होंने बड़े ही अभिमान के साथ सभी के सामने रखी। हर वर्ष अपनी अदाकारी के माध्यम से मौजूदा ज्वलंत मुद्दों और सामाजिक संदेश के साथ जनजागृति फैलाते हुए इस बार भी स्कूल के होनहार छात्रों ने अपने नृत्य प्रदर्शन से सभी को स्तब्ध कर डाला। इस दौरान छात्रों ने स्वच्छता, चाइल्ड लेबर, पंचतत्व एंड कर्पूर गौरम, शेतकरी सॉन्ग, कलर्स ऑफ लाइफ, वैल्यू ऑफ फादर, नवग्रह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे विषयों के माध्यम से नृत्य की प्रस्तुति के जरिए सामाजिक संदेश देने का बखूबी प्रयास किया। इस मौके पर उपस्थित महापौर जयवंत सुतार ने भी शैक्षणिक क्षेत्र में इस स्कूल का बड़ा योगदान होने की बात कहकर इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। एक निश्चित स्वरूपामध्ये भविष्यामध्ये या शाळेतला विद्यार्थी ज्या ज्या ठिकाणी जाईल त्या त्या ठिकाणी एक विशेष नैपुण्यता दाखवेल। भविष्य कालखंडामध्ये या शाळेतून निर्माण होणारा विद्यार्थी हा वकील व्हावा, डॉक्टर व्हावा, इंजिनियर व्हावा या अपेक्षेने या ठिकाणी सर्व कार्यकारी मंडल पाहत आहे। इस मौके पर विशेष रूप से उपस्थित पूर्व सांसद संजीव नाइक ने कहा कि एएसपी स्कूल ने शिक्षा के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में जो काम किया है वो उल्लेखनीय है और जिस प्रयत्नों के साथ इसकी शुरुआत की गई थी वो सफल होती नजर आ रही है। आज खूब आनंद वाटतोय शंकर सेट पिंगळे आणि त्यांची पूर्ण टीम, कौर मैडम आणि त्यांची पूर्ण टीम यांनी खूपच घनसोळी विभागामध्ये शिक्षण क्षेत्रामध्ये जी उल्लेखनीय काम केलेलं आहे। आज बघा 4,500 पेक्षा जास्त विद्यार्थी मराठी मीडियम, इंग्रजी मीडियम, कॉन्वेंट, CBSE आणि आता काही प्रमाणात IB अशा विविध क्षेत्रातील उपलब्धी घनसोळीकरांसाठी दिलेली आहे। मला वाटतं ही फार मोठी गोष्ट आहे।
घनसोळीमध्ये इकडे जेव्हा त्यांनी शाळा चालू केली तेव्हा काही नव्हतं. काय होईल भविष्यामध्ये याची काही कल्पना नसताना, परंतु एक समाजाचं काहीतरी देणं लागतो या अनुषंगानं त्यांनी प्रयत्न केले आणि आज त्यांचे प्रयत्न हे यशस्वी झाल्याचं बघायला मिळते. खूप चांगल्या पद्धतीने नुसतं शिक्षण नाही तर प्रत्येक क्षेत्रामध्ये त्यांचा विद्यार्थी हा गुणगौरव केला गेलेला आहे. मला वाटतं हीच फार मोठी गोष्ट आहे. आणि मराठी आणि शीख असे दोन ट्रस्टी एकत्र येऊन ही शाळा चालते ही एकच त्याच्यामधली एक वेगळी गोष्ट आहे असं मला वाटतं. प्रत्येक क्षेत्रातलं काम चांगलं असल्यामुळे नवीमुंबईतली उत्कृष्ट शाळेचे पारितोषिक त्यांना मिळालेले आहेत. विद्यार्थी विविध क्षेत्रामध्ये गोल्ड मेडल मिळवत आहेत, सिल्वर मेडल मिळवत आहेत. माझं म्हणणं आहे नुसतं पार्टिसिपेशन करणं ही पण खूप मोठी गोष्ट आहे. जी संधी सर्व शाळांना मिळत नाही ती संधी हे सर्व लोक आपल्या विद्यार्थ्यांना करून देतात, मला वाटतं हीच फार मोठी गोष्ट आहे. इस मौके पर चेयरपर्सन हरप्रीत कौर ने NMTV से बात करते हुए कहा कि हमारे भारत देश का भविष्य आज के छात्र है, तो अगर उन्हें अच्छे तरीके से शिक्षा दी जाएगी और टेक्नोलॉजी का वे सही रूप से इस्तेमाल करेंगे तो हमारा भारत देश जरूर एक दिन ऊंचाई तक पहुंचेगा. सबसे बड़ा संदेश के इंडिया का फ्यूचर आज की जनरेशन के हाथ में है. अगर आज की जनरेशन पढ़ी लिखी होगी, टेक्नोलॉजी यूज़ करती होगी राइट डायरेक्शन में, तो ये इंडिया कहीं का कहीं पहुंच सकता है. और बच्चों को हम ऑलराउंडर एक्सपोजर देते हैं, बच्चों को उनके पैशन के हिसाब से अपना करियर पकड़ना है ये संदेश देते हैं. If someone is good at dancing, let him dance. Let him go in that. If someone is good at drawing, let him be an artist. And if someone is good at acting, let him be an actor or actress. It is not necessary that every child of this country should be only doctor or engineer. We should encourage that the students should come with the ideas. Let's not suppress them. That's the biggest message. खुल के जियो, खुल के सोचो. तो वही ट्रस्टी शंकर पिंगले ने कहा कि स्कूल की संस्था में और मैनेजमेंट में सबसे बड़ा योगदान चेयरपर्सन हरप्रीत कौर का है. या संस्थे मध्ये मैनेजमेंट मध्ये सगळ्यात मुख्य पार्ट हरप्रीत कौर मॅडमचा आहे. मॅडमचं मैनेजमेंट, मॅडम मधला असलेली एज्युकेशनची आवड आणि एज्युकेशन मधला असलेलं नॉलेज, ह्या मॅडमच्या नॉलेजमुळे मॅनेजमेंटमुळे खऱ्या अर्थाने ह्या 8-10 वर्षामध्ये ह्या संस्थेमध्ये ज्या सगळ्या स्कूल चालतात, नवी मुंबई स्कूल असेल, AC पब्लिक स्कूल असेल, कॉन्व्हेंट स्कूल असेल, हे केवळ मॅडममुळं सगळं शक्य झालेलं आहे. आणि ही संस्था किंवा शाळा वाढण्यामध्ये मॅडमचं योगदान मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. गौरतलब है कि संघर्ष पूर्ण सफर को पूरा कर शिक्षा क्षेत्र में अपना अहम योगदान देने वाली स्कूल की चेयरपर्सन हरप्रीत कौर द्वारा एजुकेशन विद टेक्नोलॉजी विजन के साथ विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा देने के लिए हर संभव कार्य किया गया है. हर क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड्स के जरिए जहां विद्यार्थियों को ई लर्निंग की शिक्षा दी जाती है, बल्कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट की तरफ भी खास ध्यान दिया जाता है. और शायद यही वजह है कि इस स्कूल को संपूर्ण नवी मुंबई शहर में उत्कृष्ट स्कूल का दर्जा प्राप्त हुआ है, जो काफी गर्व की बात है. ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़.